आज हम बनाएंगे मक्के की रोटी। ये मक्के का आटा है और इसको हम छान लेंगे। हम छान तो सब एक साथ लेंगे पर गूंधेंगे अलग अलग। ये देखिए कुछ भी नहीं निकला, फिर भी हमने सेफ्टी के लिए इसको छान लिया। हमें जितनी बड़ी रोटी चाहिए उतना ही आटा हम देंगे, पूरा आटा हम नहीं गूंधेंगे। तो हमें इतना एक रोटी का आटा गूंधना है, बाकी अलग निकाल देना है। पूरे आटे में हमें एक कटोरी बेसन भी मिक्स करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंथेंगे। सिर्फ एक रोटी के हिसाब से ये एक साथ गूंध के नहीं रखा जाता है। एक साथ अगर गूंधेंगे तो इसमें रोटियां नहीं बनेंगी और टूट टूट जाएगा आटा, तो पानी ज़्यादा लगेगा, गीला हो जाएगा। इसके लिए हम एक रोटी का ही आटा एक टाइम में गूंध के बनाएंगे। और बहुत अच्छे से इसको हम मैश करेंगे, जितना अच्छे से मैश हो जाए उतना, जब तक ये टूटने जुड़ने ना लगे। तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है और इसको बहुत अच्छे से हमें मैश करना है। पानी कम पड़ जाए तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आटा गूंध गया बहुत अच्छे से। अब हम इसको आराम से लोई बनाएंगे। थोड़ा सा ये हमारा हमने देसी घी लिया, आप चाहे ऑयल ले लीजिए, चाहे देसी घी लीजिए या फिर मक्खन लीजिए, कुछ भी आपको जो इजी लगे। फिर हमें धीरे इसलिए लगाना क्योंकि ये चिपके ना और हमारी रोटी हाथ से बन जाए। अगर हाथ से आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको पन्नी पे रख के आप बना सकते हैं, आराम से बन जाएगी। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। आपने हम वगैरह में देखा होगा कि पहले हम लोग हाथ से ही रोटी हमारी बनती थी और हम तो अच्छे से नहीं बना पा रहे, पर हमारी नानी वगैरह बहुत अच्छे से हाथ से ही रोटी गोल गोल चांद जैसी बना लेती थी। तो अभी हम बस इतना ही बनाए और इसको दोनों हाथ लगा के तवे पे डाल दीजिए और सिकने दीजिए धीमी आंच पे। अब हम इस रोटी को कैसे पलटाएंगे, थोड़ा सा पानी का छिट्टा मारेंगे और कलछुल भी पानी में भिगो लेंगे और धीरे धीरे ये रोटी छूटने लगे। नहीं निकले तो पानी में आप कलछुल को भिगोइए और ये देखिए हमारी रोटी पलट के अच्छे से एक तरफ हो गई है। अभी इसको हम पीछे दूसरी तरफ भी अच्छे से धीमी आंच में सिकने देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारी अच्छे से सिक गई। अब हम इसको तवा उतार के गैस पे सीधे धीमी आंच में सेकेंगे, जो करारी और क्रिस्पी बनेगी हमारी रोटी। तो इस रोटी को हमने ऐसे खड़े करके दोनों तरफ सेक लिया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये सिकी है और पकी भी है अंदर से। थोड़ा टाइम लगता है पर इस तरीके से पकाने में आप देखेंगे कि इसका बिल्कुल अलग नया स्वाद आएगा। और इसी तरीके हम सारी रोटियां बना लेंगे। जब हमें पलटना होगा हम पानी की सहायता से पलटेंगे। ये देखिए मक्के की रोटी मक्खन के साथ और तली और रसेदार आलू की सब्जी के साथ, और ये लिक्विड भाजी होगी या दाल होगी तभी अच्छी लगेगी। तो आशा है आपको ये भाजी रोटी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। अच्छा खाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।